आखिर क्यों माधुरी दीक्षित ने हॉकी स्टिक से किया था आमिर खान का पीछा। 90 के दशक में डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित ने अपने अदाओं से सभी को दीवाना बना लिया था। माधुरी के डांस को देखने के लिए लोग आज भी बेताब रहते हैं। तेजाब से लेकर आजा नचले तक की फिल्में माधुरी दीक्षित को एक नए क्षितिज पर खड़ा कर देती हैं। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और आमिर खान की फिल्म दिल ने बॉलीवुड में कामयाबी का एक नया इतिहास रचा था। गीत संगीत कहानी और कलाकारों का अभिनय सब कुछ लाजवाब था। इसी फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसे हाल ही में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपने चाहने वालों को भी सोशल मीडिया के जरिए बताया है। माधुरी दीक्षित के मुताबिक वो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं, चाहे वो यूथ कलाकार क्यों ना हो। साथ ही माधुरी ने दिल फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान के साथ अपनी केमिस्ट्री को लेकर भी खुलासा किया है। माधुरी दीक्षित का कहना है कि आमिर खान सेट पर उनके साथ काफी मस्ती किया करते थे और उन्हें फ्लर्ट भी करने की कोशिश करते थे। एक बार तो माधुरी दीक्षित की हथेली पर आमिर खान ने थूक दिया। फिर क्या था, गुस्से से लाल माधुरी ने आमिर खान को मारने के लिए हॉकी स्टिक लेकर काफी दूर तक दौड़ा लिया था, पर आमिर खान भागने में कामयाब हो गए थे। वैसे फिल्म के सेट पर कलाकारों की इस तरह की मस्ती तो चलती रहती है, पर दिल फिल्म की कामयाबी ने दोनों की कलाकारों की लोकप्रियता में काफी इजाफा कर दिया था। सिर्फ माधुरी ही नहीं, आमिर खान ने अपनी सभी हीरोइनों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही किया है।